हाँ जी, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आप सब बच्चों को कल मैंने बेस बना ही दिया था, पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, कंपनी के केस में हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी होती है, और जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो हम लोगों को शेड्यूल थर्ड ने गिवन है एज पर पार्ट वन ऑफ शेड्यूल थर्ड। तो सर, इस फॉर्मेट को हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो। लेकिन वो वाली कंपनी जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, अगर किसी कंपनी के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में उनके लिए अलग बैलेंस शीट होती है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ पर वो ये वो वाली कंपनीज है जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। तो सर, हमें क्या समझना है, हमें इस बैलेंस शीट को समझना है, बैलेंस शीट को याद करना है, और साथ के साथ मेरे बच्चों बैलेंस शीट के हर एक हेड, सब हेड और उसके अंदर क्या क्या आएगा, इन सबको ध्यान रखना। एक तरीके से हम अपने रूम को अरेंज कर रहे हैं, एक तरीके से हम जो भी आइटम रखेंगे किसी हेड में रखेंगे। तो पहला हेड, सबसे पहले बैलेंस शीट का नेम आता है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं, नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट, बोलो ना यार, पार्टिकुलर्स, नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कल मैंने समझाया था सपोर्टिव रहते हैं ये, कि बैलेंस शीट का जो ये जो फेस है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट गंदा ना हो, बैलेंस शीट का फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। अरे बोल दो। फिर कहता है फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी करंट ईयर रुपीस, और दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर रुपीस। तो पहला हेड आप देख पा रहे हो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या है, अच्छा सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है? तो आप अपनी कॉपी पेन निकालो और इक्विटी के ऊपर लिखो मालिकों का पैसा, जल्दी से लिखो, किताब के अंदर ही लिखो, इक्विटी के ऊपर लिखो मालिकों का पैसा और लायबिलिटी पे लिखो कर्जा। इक्विटी पे लिखिए मालिकों का पैसा और लायबिलिटी पे लिखो कर्जा। हाँ, तेरी बुक कंपनी वाली किताब लाया ना, इसमें होगी बैलेंस शीट। ढूंढ, इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस शीट मिलेगी, स्टार्टिंग में मिल जाएगी शायद, देख ढूंढ। लायबिलिटी का मतलब कर्जा, सिंपली। तो अब कंपनी के केस में आपको यहां पर इस वाले मेन हेड में जो इन्होंने कैपिटल में लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, मेन चीज दो ही चीज दिखाओगे, क्या दिखाओगे, मालिकों का पैसा और दूसरा कर्जा। और पहला मेन हेड क्या दिया है, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर इन्होंने क्या क्या दिखाया, शेयर कैपिटल, दूसरा क्या दिखाया, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा क्या दिखाया, मनी रिसीव्ड्स अगेंस्ट शेयर वारंट। तो सर एक बात बताओ, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपके हिसाब से? चलो, अगर आप मेरे को बोलोगे सर शॉर्ट नोट आप बनवा दो, तो मैं कैसे शॉर्ट नोट बनवाऊं, सभी बच्चे इधर देखते रहेंगे, आप मेरे हिसाब से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आइए से अब आप कॉपी किताब पे लिखो, या फिर किताब पे लिखो या कॉपी पे, अल्टीमेट आपके माइंड में चीजें जाननी चाहिए, ठीक है। लो जी, आज ही बैलेंस शीट हम पूरी कंप्लीट करेंगे और आपको रट्टा भी लगवाएंगे, इसको खत्म करके भेजना है आप लोगों को। आओ जी फटाफट सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो जो पहला हेड है, इधर देखिए, अभी हम लायबिलिटी साइड पर फोकस कर रहे हैं सारा का सारा। सबसे पहला मेन हेड क्या नाम दिया गया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो पहले इन्होंने क्लासिफाई करा कि यार पहले हम इक्विटी को समझ लेते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा और लायबिलिटीज का मतलब कर्जा, यानी कि फर्स्ट हेड में यही दो चीजें आपको देखने को मिलनी है। तो पहले इन्होंने बोला भैया सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड, क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड। तो इसके अंदर क्या क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो सर अब हमें क्या समझना है, इन तीनों को तो याद करना है, अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है मेरे बच्चों, बताओ इन तीनों को तो याद करना है, बट हम लॉजिकली समझ सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है, मालिकों का पैसा, बोलो यार, और मालिकों के पैसे में आएगा क्या क्या, शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व एंड सब, और क्या आएगा, मनी रिसीव्ड्स अगेंस्ट शेयर। अब बात आती है शेयर कैपिटल के अंदर हमें क्या क्या दिखाना होता है, तो ये आप लोगों ने शेयर वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये नोट्स टू अकाउंट्स हो गया है। तो मैं अब इसको ना डिटेल में ले आके समझाऊं, तो सबसे पहले क्या बताया था कल ही, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसके अंदर फिर दो बन जाती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी कौन सी बन जाती है,
सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई शेयर कैपिटल की पूरी डिटेल शो कर दो, पूरी हिस्ट्री शो कर दो, जो जो आपकी कंपनी में हो सकती है। तो आपकी कंपनी में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगी, मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी क्या कर सकती है, रेज कर सकती है, जो कंपनी के कैपिटल क्लोज में मेंशन होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई जाती है। लेकिन ये कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनती है, ये खाली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए दिखाई जाती है। नाउ द सेकंड थिंग कम्स टू इशूड शेयर कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड शेयर कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच हैज बीन इशूड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। बोलो यार, उसको हम क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल भी मेरे बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखना, ये भी बस खाली किसके लिए दिखाई जाती है? ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, ये कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनती है। इसमें आप इक्विटी शेयर दिखाओ, प्रेफरेंस शेयर दिखाओ। इसके बाद जो थर्ड कैपिटल आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर। एंड व्हाट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी। इसके अंदर दो आ जाएंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। व्हाट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप? दो कंडीशन पूरी हो जाए, बताओ कौन कौन सी दो कंडीशन? कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया, शेयर होल्डर ने सारा पैसा दे दिया, ठीक है, तो वो कैपिटल क्या बनेगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और इन दोनों में से कोई से भी कंडीशन क्या हो जाए? फेल, कंपनी ने सारा पैसा मंगाया नहीं, या फिर कंपनी ने तो मंगा लिया बट शेयर होल्डर ने सारा पैसा दिया। अब देखो, जब कोई बंदा डिफॉल्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलसेन एरियर। तो कोलसेन एरियर वाली जो कैपिटल है वो कहाँ आएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। और कोलसेन एरियर हम क्या करते हैं? माइनस करके दिखाते हैं। कोलसेन एरियर हम क्या करते हैं? माइनस। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब कोलसेन एरियर पिक्चर में तब तक रहता है जब तक शेयर फॉरफिट ना हो जाए, जब तक शेयर फॉरफिट ना हो जाए, क्योंकि जैसे हम शेयर फॉरफिट कर देंगे कोलसेन एरियर नाम की चीज खत्म। अब मान लीजिए तुमने शेयर फॉरफिट कर दिए तो कोलसेन एरियर वाली कैपिटल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल डेबिट मतलब कैपिटल खत्म, टू करते हैं शेयर फॉरफिटेड, टू करते हैं कोलसेन एरियर, तो कोलसेन एरियर भी खत्म हो जाता है, बच क्या जाता है? खाली शेयर फॉरफिटेड। तो शेयर फॉरफिटेड को हम इसी में ऐड कर देंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल, क्योंकि उसकी नेचर इनकम नेचर की, उसकी वजह से हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ। तीसरी बात सुनो, शेयर फॉरफिटेड पिक्चर में तब तक रहता है जब तक शेयर रीइशू ना, जैसे ही शेयर क्या हो जाएंगे? रीइशू हो जाएंगे, फिर मेरे बच्चों क्या होगा? वो फॉरफिटेड भी खत्म, वो पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से क्या कर रखा है? पढ़ रखा है। नहीं आई बात समझ? नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो जबरदस्ती यहाँ पर हो गई। जैसे आपने शेयर रीइशू करे तो कैपिटल दोबारा बन गई। बोलो ना, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। रीइशू करने से कैपिटल दोबारा बन गई। अब वो कैपिटल अगर सेम क्लास की बन जाती है, उतना ही पेड अप है जितना ओरिजिनल वाले, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली। अदरवाइज तो किसका पार्ट बनेगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। बाकी इसके अलावा आप लोगों को शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या दिखाना होता है, इक्विटी शेयर कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, अगर कोई शेयर अदर देन कैश में आपने शेयर इशू करे हैं उसका भी डिस्क्लोजर देना है, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर करे हैं उसका भी डिस्क्लोजर आपको क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। सर क्या ये सारी बातें बुक में लिखी है? यस। अब मेरा शेयर कैपिटल वाला अमाउंट जो है आइटम है वो खत्म हो जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जो कि काफी लेंथी आइटम है। इसी में हमारे पास 3-4 क्लासेस पहले लग भी गई थी, और आइटम्स इतने बड़े नहीं है, दूसरे आइटम 2-2 मिनट में भी खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, तो आप लोग बुक में देख सकते हो, पेज नंबर है TS ग्रेवाल 2023 एडिशन 1.6 शेयर होल्डर्स फंड। कहता है 3 आइटम है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मन। पहले कहता है शेयर कैपिटल पर चलते हैं, तो शेयर कैपिटल में बता देता है शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा। जो हमने शेयर इशू करें टू प्रमोटर्स, जो किसको इशू करें? प्रमोटर्स। आपको बोला था अपने हाईलाइटर लेके आना, हाईलाइट कर लो, कहाँ है तुम्हारा हाईलाइटर? शेयर इशू टू प्रमोटर्स एज सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कहाँ है तेरा हाईलाइटर? बस एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, फिर हर बार का तुम्हारा ये ड्रामा है, फिर मन भी नहीं करता तुम लोगों को पढ़ाने का। फिर शेयर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, अपने कुछ खास बंदों को शेयर इशू कर दिया। शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एज
सब्सक्राइब शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। इसके अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल ये बताया था मैंने, फिर इशूड शेयर कैपिटल ये सब समझा दिया, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली, समझ आ गई बात या नहीं आ गई बताओ। तेरे पास तेरी ट्वेल्थ की बुक नहीं है क्या? मिल नहीं रही है, बस पढ़ो मत, ठीक है, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है। हाँ जी चलो ये सब मैंने आपको समझा रखा, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नोट्स टू अकाउंट्स में आप ऐसे दिखाओगे, जब आप पूरी कंपनी की कल बैलेंस शीट बनाओगे या पढ़ोगे इन फ्यूचर में, तो आपको पूरी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के नोट्स ऐसे देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा काम का है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर कैपिटल देख रहे हो कितना अच्छा नोट्स बना रखा है, बोलो ना। पहले ऑथराइज दिखाया, 1 लाख इक्विटी शेयर 10, इसका मतलब कंपनी की औकात है, कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितनी रेज कर सकती है? 10 लाख। किसके थ्रू? इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर 10,000 है 100 का, तो 10 लाख। तो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल रेज करने की कितनी है? 20 लाख। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 90,000। 10 के हिसाब से 9 लाख, फिर 9,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर। फिर इसके बाद आ गई दोनों के दोनों जो शेयर ऑथराइज और इशूड है, ये खाली किसके लिए होती है? ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, ये कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बने, समझ आए। देखो जब आप देखोगे तो बैलेंस शीट की टोटल में कुछ अलग ही जा रहा होगा, वो बस उन्होंने करके दिखा दिया, अभी चलेंगे। इसके बाद अगली कैपिटल कौन सी है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर कितनी आती है बोलो? क्या आता है? सब्सक्राइब एंड फुली, सब्सक्राइब बट नॉट फुली। तो देखो ये इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल बना रखा, 80,000 शेयर पे पूरे पैसे मिल गए हैं इक्विटी शेयर पर, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 10,000 शेयर पर एक बंदे ने फाइनल कॉल नहीं दी है, दिख रहा है आप लोगों को? तो उन्होंने कहा अच्छा इस 10,000 शेयर पे डिफॉल्ट हो गया, तो ये शेयर अलग कैटेगरी के हो गए हैं, इसको हमने कहां डाल दिया? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। बात समझ आई है? नहीं। और कॉल सिनेरियो माइनस करके दिखाया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का है 90 कॉल्ड अप, अंडरलाइन कर लो, प्रेफरेंस शेयर 100 का है बट मंगाए कितने हैं? 90। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे मेरे दोस्तों? सारे के सारे क्या बन जाएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट, क्योंकि पहली कंडीशन ही पिट गई। पहली कंडीशन क्या थी? जब कंपनी सारा पैसा मंगा ले, कंपनी ने सारे मंगाए। ये बातें आपको ध्यान, आपको लग रहा होगा यार सर बता दे रहे हैं ये इतने आसान नहीं है, बच्चों इस चीज को ध्यान रख, आप लोगों के लिए इतने आसान, आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट बना रखे हैं और आपको याद भी रखना पड़ेगा इन सब चीजों को। और लास्ट में फिर प्रेफरेंस शेयर पर भी कुछ पैसा नहीं मिला है जो मंगाए हैं, इसको कॉल सिनेरियो में डाल दिया, 500 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं मिले। अब देखो जो टोटल आया वो कितना आया? 16,75,000। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? ठीक है सर, नाउ द शेयर कैपिटल इज ओवर। मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया सर, मजा आ गया सर। ठीक है मेरे बच्चों, कर लोगे अब आप लोग? ठीक है, तो ये इन्होंने आगे ट्रीटमेंट समझा रखा है, कॉल सिनेरियो वगैरह वगैरह। सर आगे ये बताओ ना क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 1.1 पे, अब बुक यूज कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर ले। कहता है शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लाइक आपने एसेट परचेज करी है, अंडरराइटर शेयर अंडरराइटिंग कमीशन के लिए दिए हैं या बोनस शेयर दिए हैं, इसको भी अलग से डिस्क्लोज करना होता है, बोलो ना। उसके बाद कॉल सिनेरियो, ये आपसे पूछेगा आगे आके क्वेश्चन में, तो कॉल सिनेरियो के लिए क्या कह रहा है? कॉल सिनेरियो शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन, अंडरलाइन कर सकते हो, कॉल सिनेरियो को घटाकर दिखाएंगे, और कहां पे घटाकर दिखाएंगे? फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, और कौन सी हेडिंग में? अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अरे इसके आगे मिल जाएगी, आगे चल ले और थोड़ा आगे चल ले मेरे भाई। हाँ नहीं है तो मुझे नहीं पता, चलो। इसके बाद अमाउंट इन फॉरफिटेड शेयर लिखा है, अमाउंट इन फॉरफिटेड शेयर, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर एंड नॉट रीइश्यूड इन द इन नोट्स टू अकाउंट्स, इसको हम ऐड करके दिखाएंगे सेपरेट, इस तरीके से कुछ बनाएंगे। चलो तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमें एक आइटम बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछ लेगा, कैपिटल दे देगा अलग अलग, कहेगा नोट्स टू अकाउंट बनाओ शेयर कैपिटल में, 4 नंबर क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर में इसी में से मिल जाएगा आप लोगों को, ज्यादातर आता है बैलेंस शीट का क्वेश्चन। या इस वाले चैप्टर में कैसे बनेगा, शेयर फॉरफिटेड पूछ लेगा, तो आप बताओगे शेयर फॉरफिटेड को हम ऐड करके दिखाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। कॉल सिनेरियो पूछ लेगा तो आप बताओगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में माइनस कर गए,
तो इस तरीके का चैप्टर है ये, समझ आया? पूछेगा ऑथराइज क्या है, इशूड क्या है, ऐसी चीजें हैं। और सेकंड तो आइटम 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस? तो रिजर्व एंड सरप्लस एज द नेम सजेस्ट, बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? हाँ जी बिल्कुल, जाइए। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? कंपनी के जितने भी सारे प्रॉफिट्स हैं या जितने भी सारे क्या हैं, लॉसेस हैं, तो प्रॉफिट पॉजिटिव आइटम बन के चले जाएंगे, लॉसेस कौन सा आइटम बन के चले जाएंगे? नेगेटिव आइटम। सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कंपनी एक साथ इकट्ठा करके दिखाएगी, सारे रिजर्व्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं आपको रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बताओ, तो इसमें क्या क्या आएगा? कोई भी एसपीएल का बैलेंस है, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ भी बैलेंस निकल कर आया, एक तो वो आएगा। और क्या आएगा बताओ? कोई कैपिटल रिजर्व है, कोई क्या है, क्या कोई जनरल रिजर्व है, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, बोलो भाई, या कोई क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, कोई क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन, या फिर क्या है, कोई सीआरआर है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, या कोई शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, कोई किसी भी तरीके के रिजर्व्स हो, प्रॉफिट्स हो, वो आ जाएंगे इसके अंदर, समझ? हाँ, WCR, अगर कंपनी के केस में WCR है तो WCR भी आ जाएगा, समझ आया? चलो जी सर, तो इसको अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा बुक से पढ़ने से हाईलाइट करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, बाकी आपको अगर मेरे नोट से करना है तो आप बच्चों फिर ऐसे कर सकते हो, मैं ये सब नहीं लिखवाऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है, ना ना भैया अकाउंट्स में ये नहीं आना, अकाउंट में ये आइटम दे देगा, या तो ऐसे क्वेश्चन बोलेगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर कोई भी 6 आइटम बताओ, क्या बोलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में कोई भी 6 आइटम, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता, पहले कभी आता था। अब क्या करते हैं, हर एक अलग अलग पूछ लेगा, कहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाएगा, तो आप क्या बताओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाएगा? अंडर दी हेड शेयर होल्डर्स फंड, मेन हेडिंग क्या हो जाएगी? शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरी सब हेडिंग क्या हो जाएगी? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है सर, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन एक्सप्लेनेशन, प्लीज रीड फ्रॉम द बुक्स एंड एक्सप्लेन फ्रॉम दैट ओनली। ओके बच्चों, चलो अब हम चलते हैं सीधा रिजर्व एंड सरप्लस। खत्म हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, बस खाली बताना है। अब आप लोग पढ़ो ना पढ़ो, फिर तुम्हारे से सिरदर्दी है। आइए, रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट सच एज कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक्चुअली शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी, ये भी रिजर्व का ही पार्ट रहता है, इसमें हम प्रॉफिट में से पैसा बचा लेते हैं, बाद में इन फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है। अमाउंट रिसीव्ड बीइंग अ कैपिटल रिसीव्ड सच एज सिक्योरिटी प्रीमियम, आप किसी शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू करते थे, याद करो सारे बच्चे, बोलो हाँ या ना? Yes, इससे पहले वाले चैप्टर में इशू ऑफ शेयर और इशू डिबेंचर में यही तो सीखा है। Yes, अब कुछ कुछ टीचर्स लोग क्या करते हैं भाई, ना सेकंड बुक कराते, सीधा थर्ड बुक स्टार्ट कर देते हैं कई कई स्कूलों में, बताओ कहां से बच्चा थर्ड बुक कर लेगा, टोटली रट्टाफिकेशन हो जाएगी। टू मीट एनी लायबिलिटी, क्या रिजर्व का मतलब, कोई भी लायबिलिटी को मीट करने के लिए हम रिजर्व बना सकते हैं, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन। और आप सब बच्चों को बताएं, हम अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं, पैसा बचाते हैं। ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, रिजर्व और प्रोविजन क्या होता है। अरे बोल दो, मोबाइल दे दे भाई मेरा। सरप्लस, व्हाट इज सरप्लस? प्रॉफिट का बैलेंस, प्रॉफिट के पॉजिटिव बैलेंस को बोलते हैं सरप्लस। इधर देखो भाई, इधर प्रॉफिट के पॉजिटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। बातें नहीं देखो, बैलेंस इन एसपीएल नॉट एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, ठीक है, बैलेंस प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर एप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स रिजर्व एंड डिविडेंड। तो कहता है बैलेंस इन एसपीएल, एसपीएल का जो भी बैलेंस बचता है, मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट जमा करा हुआ है, नॉट एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूट, जो हमने बांटा नहीं है। यानी कि सरप्लस का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार मैं कुछ पैसा अपनी जेब में ही रखता हूँ, अपनी पॉकेट में रखता हूँ, अपने पर्स में रखता हूँ, तो यानी कि जो प्रॉफिट है हमारा, वो प्रॉफिट हमारे कंपनी के एसपीएल में ही पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? एसपीएल। हमने कोई रिजर्व नहीं बनाया, वरना सारे रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं? जितने भी जनरल रिजर्व्स रहते हैं सारे मेहनत वाले, ये कहाँ से क्रिएट्स होते हैं? प्रॉफिट में से। कैपिटल रिजर्व सीधा बैलेंस शीट में जाते हैं, उसका प्रॉफिट का रूट नहीं होता, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम है या शेयर फॉरफिट करने की वजह से रिजर्व आ गए। बोलो यार। तो ये कह रहा है, कहता है सरप्लस का मतलब क्या है, वो वाला बैलेंस है, वो सरप्लस का मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है सरप्लस का मतलब है ये वो बैलेंस है जो हमारा प्रॉफिट जमा हो रखा है और जिसको हमने बांटा नहीं है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, या फिर यू कैन से कि हमारे प्रॉफिट्स में जो बैलेंस बच गया, बोलो भाई, yes, वो बैलेंस जो प्रॉफिट में पीएनएल में बच गया, कहां से?
सब देने के बाद रिजर्व रिजर्व बांटने के बाद, ये टेक्निकल लैंग्वेज होती है, आप इसको समझना चाहो तो। बाकी देखते हैं और पढ़ते हैं, समझ आया नहीं है ऐसे बुक रीडिंग कोई नहीं कराएगा। अब एक बार करा रहा हूँ तो पूरी लाइफ टाइम के लिए करा रहा हूँ कि आप लोग की एक फाउंडेशन बन जाए, वरना तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस के ये आइटम, ये 5-6 आइटम बता के आगे चलता। ज्यादातर टीचर लोग ऐसे कराते हैं, बट मैं इस वाले चैप्टर में जानबूझकर आपको थोड़ी बुक रीडिंग भी करा देता हूँ कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। बोलो यहाँ पर कोई अकाउंटिंग नहीं आने वाली, ध्यान रखना। रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन ए सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। तो कहता है भाई बस खाली आप देखो वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस सिंगल आइटम दिखाना है। क्या दिखाना है? सिंगल आइटम। बात समझ आई या नहीं? अरे भैया क्या हो गया, परेशान हो गया भाई? कह रहा यार तूने मेरा फोकस ही बिगाड़ दिया है। चलो तो रिजर्व एंड सरप्लस एक सिंगल है, कहता भाई इसमें खिचड़ी नहीं पकानी। बात समझ आई या नहीं? कह रहा नहीं, यहाँ खिचड़ी पकाओगे तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपको जितनी भी खिचड़ी पकानी है सारी कहाँ पकानी है? नोट स्टोर। समझ आ गई बात? इन्हें तो इसलिए बनाई गई है ये बैलेंस शीट। लो जी क्या बात है मेरे भाई, ऑटो फोकस क्यों नहीं ले रहा, कैसे परेशान होगा, कभी कभार तो ले लेता। लो जी सर, तो रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन ए सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ द, कहां पर शो करेंगे मेरे बच्चों बताओ? ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। अरे बोल दो। यस सर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यस सर। इसके अलावा ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस डिटेल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन इन टू द नोट्स टू अकाउंट्स एंड सरप्लस गिविंग ओपनिंग बैलेंस एडिशन डिडक्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस फॉर ईच आइटम। अब एक्चुअली क्या होता है, हम ना थोड़ी एडिशन डिडक्शन, इस बार कितने की एडिशन हुई है, पहले से कितना बैलेंस पड़ा था, ये सब भी दिखाते हैं। बातें नहीं करनी है प्लीज। देखो अब सारे बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ रहा है बुक में देखो, तो क्या क्या आया रिजर्व एंड सरप्लस में? कैपिटल रिजर्व। क्या आया मेरे बच्चों बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में? क्या आया? कैपिटल रिजर्व। दूसरा क्या आया? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम, और बताइए क्या है आपका? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। समझ आई बात है नहीं? और बताओ क्या है? अदर रिजर्व, कोई सरप्लस का बैलेंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर क्या हो, नेगेटिव। समझ आई बात है या नहीं है? जी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है जी बातें, कोई टेंशन वाली ऐसी बात है ही नहीं। आगे चलो, बट मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये ऑटो फोकस क्यों नहीं कर रहा, इसका ऑटो फोकस कैसे हिल गया। चलो जी सर, ये सब बातें ध्यान रखोगे मेरे बच्चों? बोलो हाँ है ना। बाकी अगर आप चाहते हो कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इसको आप लिख लेना है। सारे रिजर्व्स के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। कैपिटल रिजर्व ये होता है जो कंपनी ने क्या करा है मेरे बच्चों बताओ? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। हाँ जी, तो अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो कैपिटल रिजर्व का मतलब अच्छी किताब बना रखी है। सीआरआर का मतलब, सिक्योरिटी प्रीमियम, डीआरआर का मतलब, रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का मतलब। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे बोल दो ना यार। मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ, कैपिटल रिजर्व जो सीधा बैलेंस शीट में जाता है, जो मेहनत के प्रॉफिट में से नहीं बनता। जैसे कोई मैंने एसेट को बेच के प्रॉफिट कमा लिया, या मेरे को सिक्योर शेयर मैंने ज्यादा प्रीमियम पर इशू कर दिए, है समझ में आया? उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व बेसिकली। सर अब ये पढ़वाऊंगा तो फिर बहुत डीपली हो जाएगा। अब एग्जांपल जैसे दे रखे हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ, अंडरलाइन करते रहो, निशान लगाते रहो, वरना तुम कहोगे ये भी नहीं कराया। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, निशान लगाते रहो बस। ओ भाई ओ पायलट, ग्रीन वाला पढ़वा रहा हूँ, ग्रीन वाला। हाँ, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, उसके अलावा प्रॉफिट ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस, सीआरआर, जब कल को आप किसी कैपिटल को रिडीम करते हो तो उसकी वजह से आप प्रॉफिट में से रिजर्व्स बनाते हो, ठीक है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर या डिबेंचर को फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इशू करना, डीआरआर, जब कल को आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो प्रॉफिट में से आपको एक रिजर्व बनाना होता है सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से। रिवैल्यूशन रिजर्व, आप किसी एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है? रिजर्व बनाना पड़ता है। क्या हुआ था सर, मजा आ गया। थर्ड है हमारे पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बेसिकली शेयर वारंट्स क्या होते हैं, इधर देखेंगे। शेयर वारंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट कंपनी नियर फ्यूचर में क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी। सर्टेनिटी है कि कंपनी क्या करेगी,
शेयर देगी ही देगी, मतलब जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करा बट कंपनी ने अभी शेयर्स इशू नहीं करे, उनको शेयर वारंट्स दे दिए, बोलो हाँ है ना। उनको बोला कि भाई ये चिट्ठी रखो आप, ये एप्लीकेशन, ये शेयर रिसीप्ट रखो, एंड आपको जब भी हम शेयर इशू करेंगे कुछ टाइम के अंदर ही तो हम आपको शेयर्स दे देंगे। समझ में आया नहीं है? और इस प्राइस पर आपको शेयर मिलेंगे क्योंकि आपने शेयर्स लेने की सारी टर्म्स को क्या कर दिया है, पूरी कर दिया। तो इसीलिए हमें पता है कि अनसर्टेनिटी नहीं है यहाँ पर, पूरी सर्टेनिटी है। जैसे आप लोगों को, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, फेयरवेल पार्टी होती है तो हम बच्चों को वो देते हैं इन्विटेशन कार्ड। अब आपको इन्विटेशन कार्ड मिल गया तो आपकी फेयरवेल में एंट्री होनी है, ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप सर्टेनिटी हो गई। अभी हम प्रगति मैदान गए, हमारे पास टिकट आ गई, हम चले गए, मीन्स सर्टेनिटी। तो मैंने आपको वारंट्स इश्यू कर दिए, कंपनी ने बोला इन वारंट्स को संभाल के रखो, इन फ्यूचर में आज एक महीने बाद दो महीने बाद आपको इस प्राइस पर क्या होंगे, शेयर्स मिल जाएंगे। तो शेयर वारंट्स एक तरीके से शेयर्स का ही रूप है। शेयर वारंट्स जल्द ही किस में कन्वर्ट हो जाने हैं, शेयर्स के अंदर। समझ आया नहीं है? बोलो ना। जब शेयर वारंट शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसीलिए कंपनी ने इसको कहां रख दिया, इसलिए इसको शेड्यूल थर्ड पार्ट वन में किसके अंडर रख दिया गया, शेयर होल्डर फंड के। समझ आया नहीं? अल्टीमेटली मालिकों का ही पैसा है। समझ आया? अब देखो मैंने इतना अच्छे से समझाया, अब आप लोगों को टिप्स पर होने चाहिए, वरना आप मेरी यूट्यूब पर बैलेंस शीट भी देखोगे, 15 मिनट में मैंने क्या कर रखी है, बैलेंस शीट आप लोगों को पूरी समझा रखी है। बट 15 मिनट में बैलेंस शीट समझने के लिए हमें पहले कई घंटे क्या करने होते हैं, लगाने होते हैं। अब मैं आपको बोलूं तो फर्स्ट हेड बिल्कुल क्लियर है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर क्या आया, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आया, शेयर कैपिटल, दूसरा क्या आया, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा क्या आया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, इसके अंदर और चीजें नहीं। अब शेयर कैपिटल में क्या है, पूरी कहानी है, याद रहेंगी वो, ऑथराइज इशूड, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कॉल सिनेरियो, शेयर फॉरफिटेड। समझ आया? रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, समझ, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपाउंड। बार बार बोल बोल के आपके दिमाग में क्या कर रहा हूँ, चीजें सेट कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई आइटम मिलेगा नहीं, ये बेसिकली एक ऐसे वो है, चिट्ठियां आपके पास जो नियर फ्यूचर में किस में कन्वर्ट होने वाली है, शेयर्स। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ऐसे बच्चों को। चलो सर, मजा आ गया जी, दिल खुश होगा, आप कह रहे हो सर कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड हेड है हमारे पास, मेन हेड है ये, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लोगों ने पैसा दे दिया है बट लोगों को अभी अलॉटमेंट नहीं हुई। ये एक नया हेड आया है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, शेड्यूल थर्ड के अंदर, ये पहले नहीं होता था ये। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहता है कि लोगों ने हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, उन्होंने हमें क्या कर दिए, पैसे दे दिए हैं, बट अभी हमने उनको शेयर इशू नहीं करे, अभी हमने उनको शेयर इशू नहीं करे। समझ, और हमें सर्टेनिटी भी नहीं है, हमें सर्टेनिटी नहीं है कि हम शेयर इशू करेंगे या नहीं करेंगे, अभी हमें नहीं पता भाई, हो सकता है हम शेयर इशू कर दें, हो सकता है ना करें। अगर शेयर इशू सर्टेनिटी होती तो हम शेयर वारंट्स इशू कर देते, शेयर फिर तो वो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट बन जाता, और अनसर्टेनिटी है कि हम नहीं करेंगे, फिर तो ये अगर पता चल जाए कि वापस करना है, हम इशू नहीं कर रहे हैं, फिर ये यहां नहीं आएगा, फिर ये बन जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट रिफंडेबल, फिर क्या बन जाएगा ये, रिफंड, यानी कि उनका पैसा क्या करना है, वापस, और वापस करना है तो एक करंट लायबिलिटी वाला आएगा, वहां आएगा। तो सर बेसिकली सिचुएशन अराइज क्यों होती है, ये बेसिकली सिचुएशन इसलिए अराइज होती है, जैसे कि मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च को, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, और मेरी बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च 2023 को, और मैंने क्या करा था, 1 मार्च या 10 मार्च 2023 को मैंने एक आईपीओ निकाला कि आप मेरे शेयर क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने लोगों को बोला कि भाई ये जो 10 मार्च से लेके ये जो एप्लीकेशंस लोग अप्लाई कर सकते हैं वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 10 अप्रैल तक। समझ आया नहीं है? मैंने कहा भाई एक मंथ का आपके पास टाइम है, इस एक मंथ के अंदर कोई भी व्यक्ति जो हमारे बिजनेस में क्या करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब मुझे एक बात बताइए आप सभी बच्चे, भाई ये ठीक हो क्यों रही है इसमें, ठीक है,
ठीक है, कोई नहीं। अब यहां पर अगर हम देखते हैं 31 मार्च 2023 तक, तो हमने कहा यार ठीक है आप मान लीजिए मैं 1,00,000 शेयर इश्यू करना चाहता हूं, और यहां तक 31 मार्च 2023 तक खाली 60% लोगों ने क्या करा है, अप्लाई करा है। 60% लोगों ने क्या करा है, अप्लाई करा है। यानी कि मेरे पास लोगों की डिमांड खाली कितने शेयर की आई है, 60,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर, मुझे कुछ सर्टेनिटी है कि मैं शेयर इश्यू करूंगा या नहीं करूंगा? क्योंकि आप लोगों को पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90%। मुझे यहाँ बहुत बढ़िया, मुझे तो ये पता ही नहीं है। अब मुझे तो ये पता ही नहीं है कि वेदर आई विल रिसीव, वेदर द कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 90% सब्सक्रिप्शन और नॉट। तो अब मुझे, अगर मुझे यही पता चल जाए यहीं तक की लास्ट डेट होती और मुझे पता चलता है खाली 80% सब्सक्रिप्शन आया, फिर तो मुझे पता चल गया कि भैया 90% तो मिला नहीं है, और मिला नहीं है तो मुझे क्या करना है, पैसा वापस करना है। पैसा वापस करना है तो फिर तो मैं रिफंडेबल हो जाएगा, फिर तो करंट लायबिलिटी बन जाएगी। आई डोंट नो कि वेदर द कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 90% सब्सक्रिप्शन और नो। समझ में आई बात या नहीं? तो मेरे पास ये जो पैसा पड़ा हुआ है जिसके अगेंस्ट मैंने अभी अलॉटमेंट नहीं करी है, उसको मैं एक सेपरेट हेड में क्या करूंगा, रखूंगा। समझ आया नहीं? ये है सिरदर्दी इसकी, समझ आया कुछ नहीं? तो ये पेपर में मिलेगा नहीं, मिलेगा तो अकेला आइटम रहेगा, क्या रहेगा, अकेला। लेकिन अगर इसके साथ में रिफंडेबल दिख जाए, लेकिन अगर इसके साथ में क्या दिख जाए, रिफंडेबल, देन बच्चों ध्यान रखना फिर वो यहां नहीं आएगा, फिर वो हमारे लिए कर्जा बन जाएगा, छोटा कर्जा बन जाएगा, उस अमाउंट को मुझे वापिस करना पड़ेगा, और वो कहां आएगा, करंट लायबिलिटीज में, और करंट लायबिलिटीज में कहां जाएगा, अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटीज। बात समझ आई या नहीं आई? अरे सर कैसी बात कर दी, समझ में ना आया, आप ऐसी बात करो। चलो जी मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाती है बातें, बोलो। तो दिखने में कितना छोटा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, जब चीजों को हम समझते हैं तभी मेरे भाइयों चीजें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। और एक बार समझा रहे हैं तो भाई, इसके बाद हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज है? नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज को हम प्यार से बोलते हैं बड़ा कर्जा, और एक हेड मिलेगा हमारे को करंट लायबिलिटीज, ये मेन मेन हेड है, फिर हमारा टोटल आ जाएगा, और इस तरीके से हमारी लायबिलिटी साइड का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाए। इसको मैंने याद करने का बड़ा आसान सा तरीका कर रखा है, आप सब बच्चों को भी याद हो जाएगा, LOL लोल वर्ड हम यूज करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कभी हमें बहुत तेजी से स्माइल करनी होती है तो हम लोल बोल देते हैं, चैट सेक्शन में हमें अपनी इमोजी एक्सप्रेस करनी है, या लॉल वैसे वर्ड याद नहीं, तो छोड़ो लॉट्स ऑफ लव ऐसे याद रख लीजिए, कैसे याद रख सकते हो, लॉट्स ऑफ लव, ठीक है, LOL बीच में डी, LOL बीच में डी, ऐसे याद रखना है, LOL बीच में डी, दूसरे नंबर पे डी ऐसे याद रख सकते हो, LOL सेकंड नंबर पे क्या आएगा, डी है, बीच में कहीं नहीं, सेकंड नंबर, बोलो। और ऐसे करंट लायबिलिटीज में कैसे, इसको बड़ा कर्जा ध्यान रखेंगे, उसके बाद फिर क्या है, छोटा कर्जा, कौन सा कर्जा, छोटा कर्जा, मींस जो विच वी हैव टू पे, छोटा कर्जा मतलब ये वो कर्जा होता है जिसको हमें 12 मंथ्स में या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में, बैलेंस शीट डेट से ऑपरेटिंग साइकिल में हमें पे करना होगा। अभी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है सब बता दूंगा, डोंट वरी। समझ आया? अब सर करंट लायबिलिटीज का कैसे हो? बस दिमाग लगाना नहीं है जरा सा, अभी आ रहा है इसमें करंट लायबिलिटीज, बस सर मैं तो पढ़ने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैंने पढ़ने के पैसे दिए या कैमरामैन बनने के पैसे दिए हैं, मुझे एक बात बताइए। ओ माय गॉड सर, हाँ कह रहा है सर, बस हमने कैमरामैन बनने के पैसे नहीं दिए, आप हमारे से ये उम्मीद मत किया करो, प्लीज ज्यादा करोगे हम ट्यूशन छोड़ देंगे। आइए जी आइए, इधर देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, बिल्कुल ऐसी एक फ्लो बना रखा मैंने, तो करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, SOS और बीच में आ जाएगा टी, क्या आ जाएगा, SOS दूसरे नंबर पे टी। समझ आया? बोलो ना। तो सोच तो सब बच्चों ने सुनाई है, समोसा खाते हो तो सॉस ले लेते हो, चाउमीन खाते हो तो सॉस ले, अरे बोल दो भैया, ये याद करना है, आपको कोई और निमोनिक मिलता है वैसे याद कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मैंने इस तरीके से याद करा था, बीइंग अ टीचर मुझे लगता है इसको रटवाना है और साथ के साथ समझाना है, तो कुछ ना कुछ अपने पास जुगाड़ होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जुगाड़ यही है, बड़ा कर्जा पहला तो याद हो ही गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड मालिकों का पैसा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव्स अगेन, सेकंड मेन हेड क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। अब बात करते हैं इक्विटी खत्म हो चुकी है, अब बात आती है लायबिलिटीज, बोलो। लायबिलिटीज का मतलब बड़ा कर्जा,
दो कर्जे आएंगे, एक बड़ा कर्जा और एक छोटा कर्जा। बड़े कर्जे के अंदर क्या है? बोलते हैं बड़े कर्जे का नया नाम, ऑफिशियल नाम, क्या नाम है बड़े कर्जे का? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। समझ आया नहीं है? ऑफिशियल नाम, अच्छे वाला नाम, बिल्कुल जैसे बोलते हैं नाम, जस्ट लाइक वाओ। समझ आया नहीं है? तो यानी कि बढ़िया वाला नाम, नॉन करंट लायबिलिटीज, बड़े कर्जे, और हिंदी में आसान शब्दों में बोलेंगे तो बड़ा कर्जा। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा वो तुम्हें पता, एल ओ एल बीच में डी। अब इस एल का कुछ मतलब होगा, डी का कुछ मतलब होगा, ओ का कुछ मतलब होगा, वो भी याद करना है, और उसके अंदर भी जाना है। कहां भी जाना है? उसके अंदर सब चीज कराएंगे। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है? छोटा कर्जा, और इसके अंदर क्या? एस ओ एस बीच में डी। तो सर बहुत हुआ इंतजार खत्म, प्लीज बताइए एल से क्या मिलता है? एल से बनेगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा ना शायद, देखो हाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो सर जो हमने पैसा उधार लिया है लंबे टाइम के लिए, और अभी हम चैप्टर पढ़कर ही आ ही रहे हैं, डिबेंचर्स। डिबेंचर बेसिकली क्या होते थे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। डिबेंचर हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, कोई पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, जो कंपनी पैसा उधार लेते कहते भैया पैसा बाद में वापिस कर देंगे, अभी वापिस नहीं। टर्म लोन क्या है? टर्म लोन, ये 5 साल बाद, 3-4 साल में वापिस करेंगे। इस तरीके के कर्जे को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग। डी से होता है डेफर टैक्स लायबिलिटी। डी से क्या होता है? डेफर टैक्स लायबिलिटी नेट, जो आपके काम का ही नहीं है, आपसे सिलेबस में पूछा ही नहीं जाएगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। इस टॉपिक को आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, अभी इसको समझाने में लग गए तो 4-5 क्लासेस इसी में लग जाएगी। समझ में आएगा नहीं, बस नाम याद रख लेना। समझ आ गई बात? ओ से क्या बनता है? ओ से बनता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बेसिकली वो कर। हाँ फोन आ रहा है, आया फोन आया, है ना भैया? ही धर्मवीर सबसे अच्छा बच्चा है, है ना धर्मवीर? यस धर्मवीर इज द बेस्ट बॉय। इधर देखेंगे सही बच्चे, इधर देखेंगे मेरी तरफ। तो ओ से क्या बनेगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। What is the meaning of other long-term liabilities? As the name suggests, वो liabilities जो long-term nature की है, लेकिन जो ना इसमें आ पा रही है, ना इसमें आ पा रही है, ना D में आ पा रही है, वो other, other वाला head आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलने वाला है। Current में भी देखने को मिलेगा, और as well as SPL में भी देखने को मिलेगा, assets में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे भैया बड़ी दिक्कत हो जाती है ना अगर अदर का आइटम हम नहीं रखेंगे तो, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सर अब इसके अंदर क्या आएगा ये बताओ। इसके अंदर बेसिकली वो क्रेडिटर्स आ जाते हैं या वो बीपी आ जाते हैं जो 12 महीने से ज्यादा के लिए पेंडिंग है, या जो जिस जिन्होंने पैसे पिछले 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल तक जिन्होंने पैसे नहीं दिए, या फिर एक वर्ड आप लोगों ने सुना था पहले, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, याद करो सारे बच्चे। हेलो गाइस, क्या आपको याद है प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? पता है क्या होगा? कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? कब आता है ये प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम, जब डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम है। आप सब बच्चों ने इशू डिबेंचर में एक बात पढ़ी थी, एक केसेस ऐसे भी पढ़े थे, 3 केस जिसमें कंपनी शेयर इशू कर रही है पार प्रीमियम में डिस्काउंट, बट रिडीम किस पे कर रही है? प्रीमियम। जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करती थी तो याद करो एक्स्ट्रा होती थी एंट्री में, क्या आता था? लॉस ऊपर आ जाता था, बोलो ना, और नीचे क्या आता था? प्रीमियम और रिडम्पशन। तो लॉस को तो हम राइट ऑफ कर देते थे, कहां से राइट ऑफ कर देते थे? सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर एसपीएल, बोलो। नहीं आता तो भी यस सर बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। समझ आई बात है? नहीं बोलो धर्मवीर यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ आई। कौन से चैप्टर में समझाया था? डिबेंचर में। नहीं आता तो डिबेंचर की पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, प्लीज आप लोग देख लेना। बट मेरे बच्चों आप ध्यान से समझो, लॉस डेबिट में आता था, आपको पता है वी हैव टू पे, वो हमारी लायबिलिटी भी होती है। समझ आई बात है? नहीं तो अब मैं जब कर्जे को मैं डिबेंचर को वापिस करूंगा 5 साल बाद, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका प्रीमियम है उस प्रीमियम को भी कब वापिस करूंगा मैं? 5 साल बाद। समझ आई ना? That is known as premium on redemption of debenture. This is the concept. बस किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइए सभी बच्चे।
क्लियर हो गई बात। और क्या आएगा, एल से क्या आता है, बातें नहीं, एक एल से क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो मैंने ऐसे समझा दिया और साथ के साथ इसके अंदर के भी समझा दिए। अब प्रोविजन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोविजन एक अमाउंट होता है जो हम प्रॉफिट में से बचाते हैं फ्यूचर में होने वाले सर्टेन लॉसेस के लिए या सर्टेन लायबिलिटीज के लिए, जिनका अमाउंट क्या है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, तो बेसिकली उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो यहाँ पर वो वाले प्रोविजन आएंगे जो कंपनी बना रही है लॉन्ग पीरियड के लिए, लाइक प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर लीव एंड कैशमेंट। अब हमारा एम्प्लॉय हमारे यहाँ 10 साल काम करेगा, हमने सोचा जब ये जाएगा, छोड़ के जाएगा, तो हम इसको ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे कि आपने अपनी जिंदगी के 10 साल हमें दिए, आपने अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल जवानी वाला पीरियड हमें दिया, आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ करा, तो आज हम आपको ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट, ये लीजिए सर थोड़ा बहुत अमाउंट हमारी तरफ से। तो दिस इज नोन, उसके लिए हम प्रॉफिट में से हर साल कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर बोनस, जब आप जाओगे उसके बोनस, लीव एंड कैशमेंट, तुम छुट्टियां नहीं करते हो तो तुम्हारा पैसा क्या होता रहेगा, जमा, हम उसके लिए। लेकिन लॉन्ग पीरियड वाले कौन से वाले, लॉन्ग शॉर्ट वाले, करंट लायबिलिटीज वाले, तो सारी बात बुक्स में लिखी है, डोंट वरी। जनरली बड़ी बड़ी देखो प्रोविजन जिसको जिसके लिए मैंडेटरी है वो तो बनाए गए, जिसको नहीं है, काम चल रहा है तो रहने दो भाई। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो तो करती है, ध्यान रखना इस चीज को। लाइक अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो हम तो ऐसा कुछ प्रोविजन प्रोविजन बना, हम तो भैया रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात है, समझ आया कुछ है नहीं है, बट बनाने को हम लोग बना सकते हैं। हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाते हैं, बताऊंगा कैसे बनाते हैं अभी, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लाइक हम एड के लिए कुछ पैसा बचा लेते हैं, हर महीने प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा डाल के हम एड के लिए डाल लेते हैं कि यार हर साल हमें इतने रुपए का एड करना है, या फिर दिवाली के टाइम हमें बोनस देना होता है, हर साल दिवाली के टाइम हमें अपने एम्प्लॉइज को क्या करना होता है, बोनस। तो यार अब एकदम से दिवाली पर डबल ट्रिपल खर्चा हो जाता है। दिवाली पे आप लोगों ने देखा हो बच्चों के डेकोरेशन में भी, यहाँ पर फिर बच्चों को भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह चले आते हैं, खर्चा हो जाता है। तो ज्यादा बेटर है कि प्रॉफिट में कुछ ना कुछ पैसा क्या करते रहो, हम बचाते रहे, वो हम डिस्कस करेंगे, समझ आया? Yes, sir. तो बताओ नॉन करंट लायबिलिटीज का निमोनिक कोड क्या है, LOL बीच में डी, पहले वाले एल से क्या बना, लॉन्ग टर्म बोरिंग, बोरिंग्स का मतलब पैसे उधार, बोरो का मतलब पैसे उधार, तो टर्म लोन आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएगा, समझ आ गई बात, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। LO सेकंड नंबर पे डी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी काम का नहीं है, उससे बनेगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता, 2-3 आइटम है, वो क्रेडिटर या वो बीपी जो पिछले 12 महीने है उससे ज्यादा के लिए पेंडिंग है, या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोलो। उसके अलावा एल से क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो प्रोविजंस जो वो लायबिलिटीज यानी कि जो वो एक्सपेंसेस जो हमें काफी लंबे पीरियड बाद क्या करने होंगे, पे करने होंगे, उसके लिए बोल प्रोविजन फॉर लीव एंड कैशमेंट ग्रेच्युटी बेनिफिट, ये बुक्स में मिल जाएगा, अभी पढ़वा दूंगा, एक ही बार में खत्म करूंगा सारी चीजें, अब इतना टाइम नहीं है, आज इसको ही कंक्लूड करेंगे। ऐसे क्या बनेगा हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो नाम ही सजेस्ट कर रही है, बोरोइंग बोरोइंग, समझ आई बात है नहीं, बट इज मीन बोरो करने से आप आओ नहीं, भाई यार बोरो दिया, यार दे यार 200 रुपये उधार दे दे, आप बोरो वर्ड नहीं यूज करते यार भाई, 200 रुपये उधार दे दे, तो उधार मीन सिंपली वही है, तो बोरिंग, व्हेन यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम, बट यू आर आस्किंग मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, आप बोल रहे हो भाई एक साल के अंदर अंदर पैसा वापस कर, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग से आपने डिबेंचर इशू करे शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट क्या ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से कोई लोन लिया है, बोलो यार, बैंक से कोई लोन ले लिया शॉर्ट पीरियड वाला होना चाहिए, एम्प्लॉय से लोन ले लिया, सर एम्प्लॉय, अरे भाई बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते हैं, एम्प्लॉय से लोन ले सकते हैं, समझ आई बात या नहीं आई। टी से आता है ट्रेड पेबल, टी से क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल में तो दो चीजें बचपन से पढ़ते हो आ रहे हैं, उसके अंदर दो ही चीज आती है, क्रेडिटर आता है और एक बीपी आ जाता है, क्या आ जाता है, क्रेडिटर और क्या आएगा, बीपी, समझ आया। तो जो 12 मंथ्स के अंदर हमें पे कर, ओ वाला फिर आ गया दोबारा, मैंने आपको बताया था ओ वाला हर जगह देखने को मिलेगा, तो उसे क्या बन जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटीज में वो कर्जे आएंगे जो छोटे पीरियड के लिए हैं, बेसिकली वो कर्जे हैं जो और सब हेड में नहीं आ पाए, जो कहाँ नहीं आ पाए मेरे बच्चों बताओ, और सब हेड में, तो अभी हम दिखा देते हैं अदर करंट लायबिलिटीज को, अभी यहां लिखेंगे हम OCL, पहले हम और को देख लेते हैं, और एस से क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म, सर आपने तो खत्म करा दी, यस मेरे बच्चों, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, किताब में लिख सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स,
आप सब बच्चों को पता है कंपनी प्रॉफिट कमाती है और हर साल कंपनी को प्रॉफिट पे क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो भैया टैक्स किसी का मन नहीं करता, लेकिन क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो कंपनी सोचती है यार प्रॉफिट में से पैसा बचा लो, गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देना है। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर बोनस, बोनस वगैरह के लिए आपने कुछ बना लिया, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर प्रोविजन फॉर दिवाली, दिवाली एक्सपेंसेस बोलो यार, ट्रेनिंग, जो आप पैसे बचा रहे हो, जो आपको पता है विद इन 12 मंथ्स में वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी, बट वी डोंट नो द अमाउंट, अमाउंट इज नॉट सर्टेन। प्रोविजन और लायबिलिटी में ये डिफरेंस रहता है, अगर अमाउंट सर्टेन है तो लायबिलिटी बन जाएगा, डेट सर्टेन है वो लायबिलिटी बन जाएगी, बट प्रोविजन में हमें अमाउंट की क्लैरिटी नहीं होती है, तो हम प्रॉफिट में से अंदाजे के बेसिस पर बना लेते हैं। समझ आ गई बात? तो ये करंट लायबिलिटी छोटा कर्जा, छोटे पीरियड के लिए जो हम चीजें कर रहे हैं। तो सर अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, अदर का हेड इसलिए बनाएंगे ना। अब जैसे तुम यहाँ पर बोलो कि सर आप रूम को अरेंज करो, तो मैंने हर कॉलम बना दिया, मैंने कहा भाई रजिस्टर का कॉलम, कॉपी का, बुक्स का कॉलम, पानी की बोतल का कॉलम, अबे ऐसे जब तुम मार्कर का कॉलम, स्टेपलर का कॉलम, भाई कितने कॉलम बनाओगे, समझ में आ गई, कॉलम ही कॉलम बन जाएंगे। तो मजबूरन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक अदर का बनाना पड़ेगा। अरे बोल दो, जैसे आपके घर वाले जितना मर्जी रसोई किचन ये हो, फिर भी सोचते हैं अरे यार एक स्टोर रूम बना दो, फिर भी बना दो क्या एक स्टोर, जहां जो सामान एक जगह नहीं रखा जा सके उसको कहाँ रख दो, स्टोर। तो अदर की तरह हो गया, अरे बोल दो भाई। तो हर अदर का कॉलम आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो क्या बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी हो, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो, एंड इवन एसेट्स में भी देखने को मिलेगा। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, बेसिकली वो लायबिलिटीज, वो करंट लायबिलिटीज जो ना यहाँ सेट हो पाई, कहाँ नहीं सेट हो पाई, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि हर चीज बोरिंग नहीं हो सकती, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, या कोई अदर, या कोई ट्रेड पेबल नहीं है, हर चीज ट्रेड पेबल थोड़ी होगा, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो ये पेपर में भी आ जाता है। अदर करंट लायबिलिटीज के 6 आइटम बताओ, जैसे कि बचपन से शुरुआत करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बचपन का हमारा फेवरेट 11th क्लास में, अब बताओ क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप यहां सेट कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज है, हाँ है ना, 12 मंथ्स के अंदर क्या करना है, पे करना है। लेकिन 11th में काम चल जाता था, पार्टनरशिप में काम चल जाता था, खाली लायबिलिटी सेट दिखा दो, नहीं कंपनी में काम नहीं चलेगा। यस इट इज अ लायबिलिटी, बट लायबिलिटी में भी जाओ और इसको तरीके से रखो। लायबिलिटी में जाओ, बड़ा कर्जा नहीं है, छोटा कर्जा। करंट लायबिलिटीज में क्या है, उसके अंदर जाके रखो, कहाँ रखोगे, अदर करंट। समझ आया? क्योंकि दिस इज नॉट बोरिंग, मैंने किसी से पैसे उधार नहीं मांगे और मैंने किसी से सामान उधार नहीं लिया है, समझ आया नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, एडवांस इनकम है, अगर आपको कोई इनकम किस में मिल गई है, एडवांस में, वो भी करंट लायबिलिटीज है। कोई कॉल्स इन एडवांस है, उसको भी आप कहाँ दिखाओगे, अदर करंट। अरे बोलो, अभी इसका एग्जांपल ले रहा था मैं, लेकिन कौन से वाला, रिफंडेबल वाला, बोलो। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन प्रीपेड एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, प्रीपेड एक्सपेंस लुल्लू, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बताओ लेकिन कौन से वाला, रिफंडेबल। समझ आई बात है नहीं, बताओ क्या प्रीपेड एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है, धर्मवीर बताएगा क्या हो, धर्मवीर सावस, पता नहीं, बस करा दी बेइज्जती, पता नहीं करा, दिमाग ना मैं चलाऊंगा नहीं, तो चलाओगे दिखा दिमाग, मैं नहीं चलाऊंगा, एक सेकंड नहीं लगाई बोलने में। हाँ भाई क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे पहले से बिजली का बिल देना। हाँ तो नेचर क्या है उसकी, लायबिलिटी बनेगी, एसेट बनेगी, इनकम बनेगी, हाँ तो एसेट है वो, तो वही तो बोलते ना, आगे करो और पीछे का भूलते रहो, छोटी छोटी चीजें नहीं बताएंगे। चलो छोड़ो, और बताओ और क्या आ सकता है यहाँ पर, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट आउट, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट नॉट पेड, ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं करा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, या इंटरेस्ट एक्रू हो गया बट नॉट ड्यू। अभी एक्रू क्या होता है, एक्रू एंड ड्यू क्या होता है, ये घर से पढ़ के आना, मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अब मेरा मन नहीं है। समझ में आ गई बात, खत्म हो जाती चीजें, और क्या बचा, और कुछ है ही नहीं, और बताओ क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, अदर करंट लायबिलिटीज में और क्या रख सकते हैं हम। तो सर ये क्या सारी बातें बुक्स में दे रखे है, यस आपको घर से लिख कर लानी है, बातें नहीं करनी है, और एग्जाम्पल सब आज के लिए आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये सब आप लोगों को लिखना है। लाइक नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आया, बातें नहीं करनी है, ये रहा डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसको हाईलाइट कर सकते हो, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन, दिख गया,
अरे बोल दो। हाँ ये लिख लेना, करंट में छोटी जॉब लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में। तो देखो अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है सब समझा रखा, इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, ये रह गया था अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, और क्या क्या आएगा मेरे बच्चों बताओ, यहां पर आएगा अनपेड डिविडेंड, कोई अनपेड डिविडेंड है वो भी आ जाएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करा, अनक्लेम डिविडेंड, शेयर होल्डर ने डिविडेंड का क्लेम नहीं करा, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। समझ में आई बात या नहीं आई? अदर पेबल्स कुछ भी आ सकते हैं। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने समझाई दी, आपकी बुक में दे रखा है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस, प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजन। तो आज सभी बच्चों को ध्यान से समझेंगे, रिजर्व प्रोविजन इसको भी लिख लेना, डिफरेंस गिवन है लायबिलिटी और प्रोविजन इसको पढ़ लेना, इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी इलस्ट्रेशन करके लानी है, अगली क्लास में सारी इलस्ट्रेशन कराऊंगा आप लोगों को, इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक करनी है, और बहुत बच्चों वाली इलस्ट्रेशन है, आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन जब आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एक से लेके 12 तक ही कर लेना, ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसकी बैटरी खत्म क्या? यस।